करीमनगर में कहा, कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से 5 उद्योगपतियों को दिन रात गालियां देते थे, अचानक से उन्होंने गाली देना बंद कर दिया है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने गाली देना बंद कर दिया? क्या डील हुई? क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा? अडानी अंबानी ने कितना माल भेजा? शहजादे बताएं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की कांग्रेस और पूर्व की बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों भ्रष्टाचार की गोद से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। दोनों का एक ही काम है, फैमिली फर्स्ट और तुष्टिकरण। उन्होंने कहा, करप्शन कांग्रेस बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने करीमनगर पहुंचकर श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने कहा, तेलंगाना के लोगों ने पिछले 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आपके वोट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि सुनिश्चित की। आपके वोट ने भारत को रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक बना दिया। पीएम ने कहा, हमारा पूरा देश संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे शासनकाल में हमारे लोगों की क्षमता को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, कृषि और कपड़ा क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा नेशन फर्स्ट सिद्धांत में विश्वास करती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना में फैमिली फर्स्ट सिद्धांत पर काम करते हैं। कांग्रेस और बीआरएस पूरी तरह से परिवार द्वारा परिवार के लिए हैं। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।